तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टारलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हुआ, 11 लोगों की मौत, 65 गंभीर रूप से घायल। शहर के नजदीक चल रही स्टारलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने की मांग, प्रदर्शनकारियों ने कहा यूनिट से पर्यावरण और पानी प्रदूषित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की धारा 144 का उल्लंघन करने के बाद भड़की हिंसा, हाईकोर्ट के आदेश पर स्टारलाइट यूनिट को दी गई है सुरक्षा। तमिलनाडु सरकार की दलील, यूनिट के मामले में अदालत का फैसला आना भी बाकी है, राज्य सरकार जन विरोधी नहीं। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की, कहा इस मामले में हिंसा की कोई जरूरत नहीं। राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख और घायलों को 3-3 लाख की मदद, मृतकों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दिया इंसाफ का भरोसा, मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का ऐलान।